टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स, हमने पिछली वीडियो में अर्थक्वेक्स के बारे में पढ़ा, अर्थक्वेक से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। और अर्थक्वेक वेव्स का भी जिक्र किया है पीछे, बट उसके बारे में पढ़ा नहीं है कि अर्थक्वेक वेव्स होती क्या है और कितने टाइप्स की होती हैं। तो इस वीडियो में हम ये सब चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक की बात करते हैं। तो अर्थक्वेक जो है बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं, सैलो फोकस, इंटरमीडिएट फोकस और डीप फोकस अर्थक्वेक। ठीक है, सैलो फोकस देखो, वो अर्थक्वेक जिनका फोकस जो है 55 किलोमीटर की, 0 से 55 किलोमीटर की डेप्थ में हो, या माइल्स में बात करें तो 0 से 30 माइल्स में हो, उन अर्थक्वेक को हम बोलते हैं सैलो फोकस अर्थक्वेक। इंटरमीडिएट फोकस देखो, जिनका फोकस 55 से 300 किलोमीटर के बीच में हो और माइल्स में 30 से 150 माइल्स के बीच में हो, उनको इंटरमीडिएट फोकस बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। और डीप फोकस फोकस जो ऐसे अर्थक्वेक जिनकी फोकस डेप्थ जो है वो 300 से 650 किलोमीटर हो और माइल्स में 150 से 450 माइल्स, उनको कहते हैं डीप फोकस अर्थक्वेक। तो ये तो है तीन टाइप्स के अर्थक्वेक्स। अच्छा, ये डायग्राम बनाया है समझाने के लिए, दो चीज़ें देखो। जो सैलो फोकस अर्थक्वेक होता है वो एक स्मॉल एरिया को इफेक्ट करता है, ठीक है देखो, और जो ये सरफेस पे मोर वायलेंट होता है, ठीक। और दूसरी चीज़ डीप फोकस के बारे में पहले ध्यान सुन लो फिर समझाता हूँ। डीप फोकस के बारे में, हाँ, ये लेस वायलेंट होते हैं यानी डिस्ट्रक्शन कम करते हैं और ये एक बिगर एरिया को इफेक्ट करते हैं। अब देखो क्यों, ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया समझाने के लिए। ये हमारी अर्थ है छोटी सी, ये सैलो फोकस एक अर्थक्वेक है जो सैलो फोकस का है जनरेट हुआ है, और ये अर्थक्वेक है जो डीप फोकस का जनरेट हुआ। जो सैलो फोकस का जनरेट हुआ है, यहाँ से जो वेव्स ओरिजिनेट करेंगी वो जब ऊपर जाएंगी तो उनकी जो एनर्जी एनर्जी जो लूज़ होगी वो इसके कंपैरिजन में कम लूज़ होगी। तो एनर्जी जो लूज़ होगी वो कम लूज़ होगी, तो यानी कि ज़्यादा एनर्जी है तो डिस्ट्रक्शन जो है ज़्यादा होगा, यानी कि अर्थक्वेक जो है वायलेंट होगा। किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में, क्योंकि जब यहाँ से जाएगी तो एनर्जी ज़्यादा लूज़ कर जाएंगी वेव्स, और तो डिस्ट्रक्शन जो है कम होगा, ठीक है। तो सैलो वेव्स वाले, सैलो फोकस वाले जो हैं वो मोर वायलेंट होंगे, मोर डिस्ट्रक्टिव होंगे, और लेस, और डीप फोकस वाले लेस वायलेंट होंगे, लेस डिस्ट्रक्टिव होंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, अब ये जो, हाँ, सैलो फोकस वाला है ये जो है, इसने यहाँ से ये लेकर यहाँ तक का एरिया सरफेस में कवर कर रहा है, ठीक है। तो जो, और जो ये है डीप फोकस वाला, ये यहाँ से लेकर पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। तो समझने वाली बात क्या है, जो सैलो फोकस अर्थक्वेक होगा ये छोटे एरिया पे, दिस इफेक्ट्स स्मॉल एरिया, और डीप फोकस वाला बिगर एरिया को इफेक्ट करेगा, ठीक है। पर डिस्ट्रक्टिव कौन सा होगा ज़्यादा? जो सैलो फोकस है वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा, ठीक। तो ये था टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक के बारे में। अब पढ़ेंगे अर्थक्वेक वेव्स। देखो, अर्थक्वेक वेव्स को हम सिज्मिक वेव्स भी कहते हैं। जो वेव्स, द वेव्स दैट आर जनरेटेड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक आर कॉल्ड सिस्मिक वेव्स, ठीक है, एंड दीज ट्रेवल इन साइड इट्स लेयर। सो ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक सिस्मिक वेव्स आर जनरेटेड विच स्प्रेड आउटवर्ड्स इन ऑल डायरेक्शन। क्या होता है, ये है फोकस, यहाँ से जो है वेव्स निकलती हैं वो चारों दिशाओं में निकलती हैं, इन्हीं वेव्स को हम सिस्मिक वेव्स कहते हैं, और ये अर्थ की लेयर्स में अंदर ट्रेवल करती हैं, ठीक है, ये डेफिनेशन है। और ये जो है तीन टाइप्स के होते हैं, दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स। प्राइमरी वेव्स को हम पी वेव्स बोलते हैं, सेकेंडरी को एस वेव्स, और सरफेस को एल वेव्स, ठीक है। तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। प्राइमरी वेव्स क्या होती हैं? प्राइमरी वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनके पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन की डायरेक्शन होती है वो सेम होती है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। देखो ये है, पार्टिकल भी इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं और वेव्स भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ऐसी वेव को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों में ट्रैवल करती हैं, और इनकी स्पीड जो है ट्रैवल करने की वो फास्टेस्ट है इन तीनों वेव्स में। हाँ, इनकी वेवलेंथ जो है शॉर्ट होती है और फ्रीक्वेंसी जो है हाई होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, एक सेकंड में कितने साइकिल्स हैं उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी हाई होती है और वेवलेंथ छोटी होती है, ठीक है। अब एस वेव्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले लिखा है एस वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनमें जो और पार्टिकल्स का ऑसिलेशन होता है वो परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री पे होता है वेव के मोशन के, तो ऐसे वेव्स को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। इनको हम शियर वेव्स के नाम से भी जानते हैं। ये सिर्फ सॉलिड में, मीडियम में ही ये मूव करती हैं, ठीक है। और हाँ, इसकी वेलोसिटी जो है स्लो होती है इन कंपैरिजन टू पी वेव एंड एस वेव, ठीक है। पी वेव कंपैरिजन में एस वेव की वेलोसिटी कम होती है।
हाँ, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और वेवलेंथ शॉर्ट होती है, ठीक है। और ये वेव कहाँ पाई जाती हैं? वाटर सरफेस में, और पी वेव्स साउंड वेव में। ये एक एग्जांपल दिया है, वैसे पी और एस वेव हमारे अर्थ सरफेस में पाई जाती हैं क्योंकि हम वही पढ़ रहे हैं। एल वेव्स की बात करते हैं। एल वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। एल वेव्स भी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, यानी कि जो पार्टिकल का जो ऑसिलेशन होगा वो परपेंडिकुलर होगा, हाँ, मोशन के, किस चीज़ के मोशन के? वेव के मोशन के। व्हेन पी एंड एस वेव्स रीच द अर्थ सरफेस, दे आर कन्वर्टेड इन टू एल वेव्स। जब पी और एस वेव अर्थ की सरफेस पे जाती हैं तो उन्हीं को हम एल वेव्स बोलते हैं। दीज वेव्स ट्रेवल अलॉन्ग सरफेस एंड कॉज अर्थक्वेक। ये सरफेस पे मूव करती हैं और अर्थक्वेक को जनरेट करती हैं, सॉरी जनरेट नहीं, कॉज करती हैं, और अर्थक्वेक को सरफेस पे दिखाती हैं, दर्शाती हैं। दीज वेव्स आर नोन एज सरफेस और रिलीज वेव। इनको सरफेस वेव या रिलीज वेव के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि रिलीज ने ही इन्हें डिस्कवर किया था। हैव लो वेलोसिटी, एल वेव्स की जो वेलोसिटी है वो सबसे कम होती है, लेस देन पी एंड एस वेव। लिखा हो यहाँ पे वेलोसिटी, वी एल, यानी वेलोसिटी लेस देन पी एंड एस वेव। इनकी फ्रीक्वेंसी जो है लो होती है और वेवलेंथ लॉन्ग होती है, और यही वेव्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अर्थ सरफेस पे डिस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। अब नोट्स दे देता हूँ।